दोस्तों आज के इस वीडियो में रूल्स फॉर फॉर्मिंग प्लूरल्स को डिस्कस करने वाली हूँ, जो जानना बहुत ही ज़रूरी है अगर हम प्लूरल्स को फॉर्म करना चाहें तो। मैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूँगी, तो ध्यान से देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। अब ये तो हम सब जानते हैं कि सिंगुलर मतलब एक वचन होता है, और अगर कोई भी वर्ड अगर सिंगुलर फॉर्म में होता है तो वो उसका रूट फॉर्म होता है। रूट फॉर्म यानी कि मूल शब्द जो ओरिजिनल है। अब उसमें कुछ ऐड करके या सब्स्ट्रैक्ट करके हम उससे बहुत सारी चीज़ जैसे प्लूरल या उसी वर्ड को एडजेक्टिव एडवर्ब ये सब बना सकते हैं। तो रूट वर्ड जो होता है वो सिंगुलर है, जैसे कि बॉय रूट वर्ड है और वो सिंगुलर भी है, और उसी को अगर हम प्लूरल में ट्रांसफ़र करें तो बॉयज। सबसे बेसिक रूल जो है सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में किसी वर्ड को लाने के लिए वो ये है कि उस नाउन में एक एस को ऐड कर देते हैं। एग्जांपल, बुक बुक्स, कैट कैट्स। इन दोनों वर्ड के प्लूरल फॉर्म में एस का एडिशन है तो वो प्लूरल फॉर्म हो जाता है। रूल नंबर टू, अगर कोई नाउन वर्ड एंड होता है इन एक्स एस एच एस और सी एच, तो उस वर्ड में अगर हम लोग ई एस को ऐड कर देते हैं तो ये एक प्लूरल फॉर्म ले लेता है। फॉर एग्जांपल, एक्ट्रेस एक्ट्रेसेस, ग्लास ग्लासेस। अब दोस्तों इन रूल में एक्सेप्शंस भी होते हैं कि किसी वर्ड के एंड में सी एच हो बट उसमें ई एस को ऐड करके उसको प्लूरल नहीं बनाया जाता है बल्कि एस को ऐड करके ही प्लूरल बन जाता है। फॉर एग्जांपल, मोनार्क मोनार्क्स, सिर्फ एस ऐड होगा। स्टोमक स्टोमक्स। अब इन सब के बीच मैं एक बात एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि हम बार बार नाउन हर एक रूल में नाउन ही कहते जा रहे हैं, क्योंकि जिस वर्ड को भी प्लूरल फॉर्म में लाना है उसमें एक एस ऐड करना होगा और वो ज़रूर से ज़रूर नाउन होना चाहिए। वर्ब में भी एस ऐड होता है बट वो कुछ और रूप ले लेता है, वो प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। इसलिए नाउन में ही ऐसे ही एस को ऐड करके प्लूरल करें, इसलिए हम बार बार नाउन कह रहे हैं और वो वर्ड नाउन ही होना चाहिए। रूल नंबर थ्री, वर्ड्स जो एंड होता है वाई लेटर से एंड प्रीसीडेड बाई अ कॉन्सोनेंट फॉर्म। प्रीसीडेड यानी कि वाई के ठीक पहले एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तो उस समय वाई को हटाकर आई ई एस को प्लेस करके एक प्लूरल फॉर्म बन जाता है। एग्जांपल्स, लेडी लेडीज, बेबी बेबीज। रूल नंबर फोर, वर्ड्स जो एंड होता है वाई में एंड प्रीसीडेड बाई अ वोवेल्स, यानी कि वाई के ठीक पहले एक वोवेल होना चाहिए, तो उस समय प्लूरल फॉर्म कैसे फॉर्म होता है, एक एस को ऐड करके। एग्जांपल, वे वेज, मंकी मंकीज। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। होप यू गेट द कॉन्सेप्ट। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। Thanks for watching.